जमशेदपुर में रामनवमी, नवरात्रि और रमजान की तैयारी में जुटे फुटपाती दुकानदारों को झटका। मानगो नगर निगम का फुटपाती दुकानदारों पर चला बुलडोजर, 150 फुटपाती दुकानें जमींदोज। स्वास्थ्य मंत्री के भाई की भी प्रशासन ने नहीं सुनी, भाजपाई उतरे दुकानदारों के समर्थन में। एक तरफ लोग रामनवमी, नवरात्रि और रमजान की तैयारी में जुटे हैं, दूसरी तरफ जमशेदपुर जिला प्रशासन फुटपाती दुकानदारों को उजाड़ने में जुटी है। रविवार को जिला प्रशासन के निर्देश पर मानगो नगर निगम प्रशासन ने फुटपाती दुकानदारों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान करीब 150 दुकानों को निगम प्रशासन द्वारा जमींदोज कर दिया गया। इधर निगम प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में फुटपाती दुकानदारों ने भी मोर्चा खोलते हुए विरोध शुरू कर दिया। दुकानदारों ने आबादी के अनुपात में उन्हें पुनर्वासित करने की मांग की है। फुटपाती दुकानदारों ने नगर निगम नियमावली 2014 का हवाला देते हुए आबादी के अनुपात में फुटपाती विक्रेताओं को जगह मुहैया कराने की मांग की है। सोमवार को फुटपाती दुकानदारों ने एक बैठक कर आगे की रणनीति तैयार की है। वैसे अचानक से बुलडोजर चलाए जाने को लेकर क्षेत्र में राजनीति भी तेज हो गई है। बता दें कि ये क्षेत्र जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा का इलाका पड़ता है, जहां से विधायक राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हैं। हालांकि अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान स्वास्थ्य मंत्री के भाई ने जिला प्रशासन की कार्रवाई को रोकने का प्रयास किया, लेकिन जिला प्रशासन ने उनकी एक ना सुनी। वहीं भाजपा भी दुकानदारों के समर्थन में खुलकर सामने आ गई है। वैसे देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे दुकानदारों का क्या रुख होता है। बता दें कि उक्त मार्ग को लंबे समय से जिला प्रशासन खाली कराने में जुटी है। उसका भी कोई वैल्यू नहीं हुआ, प्लस हम लोग चार चार दिन ट्रेनिंग दिया गया मानगो नोटिफाइड में, जो आप लोग कानून सब कुछ हम लोग को बोला गया, लेकिन कोई हम लोग सच्ची उड़ गया। क्या नाम आपका? धीरेन्द्र प्रधान। आगे आप लोग क्या करने जा रहे हैं? आगे हम लोग अभी तो रूपरेखा उनका तैयार होगा, उनका रूपरेखा तैयार होगा। क्या मांग कर रहे हैं आप बताइए? हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग उजाला की हम लोग को दो जगह बोला तो बसाया जाए। अगर नहीं किया गया तो? नहीं किया जाएगा तो देखिए सरकार को करना होगा, नहीं करने से व्यवस्था तो होगा नहीं। 2024 में चुनाव जो लागू जो 2014 जो कानून है, जब तक दुकानदार को बसाया नहीं जाएगा उसको उजाला नहीं जाएगा। 2024 में चुनाव भी है, चुनाव है उसका भुगतान उसको भोगना पड़ेगा, भुगतान भोगना पड़ेगा ना। आज हम लोग जो 55 घर में जो परिवार है, एक एक आदमी का 55 जो परिवार है, उसका क्या हाल होगा बताइए? जो बढ़ रहा है उसका कैसे है? हम लोग कमाई धमाई करके हम लोग उसका पढ़ाई लिखाई करते हैं, अब उसका हम लोग कैसे करेंगे बताइए? क्या नाम आपका? वीरेंद्र पूछा। क्या मामला है, पूरा बात? 2014 का मामला यही है, 2014 के जब एक कानून बना हुआ है, हम लोग किताब भी दिया गया है सरकार की तरफ से, हम लोग जीवित मेंबर हम लोग सब दिया गया है। उसके तहत ये है कि पहला कोई भी क्षेत्र का आबादी का 2.5% फुटपाथ को आपको देना है। तो जब मानगो एक क्षेत्र का लगभग आबादी 3 लाख है, तो 3 लाख के हिसाब से 7,500 दुकानदार या फुटपाती लोग को बैठने का जगह आपका होना चाहिए। तो मानगो में पहला बात कोई बाजार नहीं है, ये हम लोग मजबूरी में बैठे हुए रोड में, हम लोग को शौक नहीं है और हम लोग के पास कोई रोजगार नहीं, इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं। आप बताइए मानगो में एक बाजार बता दीजिए कि जिसके द्वारा जहाँ फुटपाती लोग दुकान लगा सके, एक भी बाजार नहीं मानगो में। तो कानून के कानून कहता है कि आपको 2.5% के लिए जगह व्यवस्थित करना है, तो हम लोग कहाँ से करें? वो आपको देना है कि ये बाजार है, यहाँ पे फुटपाती लोग बैठेंगे या बेचेंगे, ऐसा कोई जगह तो है नहीं। आप बोलते हैं नदी किनारे, तो नदी किनारे में आप कितना होगा वहाँ? तो चाहे दुकान जो भी हो, कुछ दिन पहले एक मीटिंग था हम लोग का नगर निगम में, उसमें कहा गया था भू विवाद के भी कुछ लोग थे, बोले थे कि नदी किनारे बाजार नहीं बसाया जा सकता। तो उस समय जब वहाँ पे क्लियर नहीं है, और क्लियर कीजिए हम लोग को, कानून तो कहता है कि पहले हम लोग को बसाइए फिर हटाइए। क्या नाम आपका? सत्येंद्र कुमार। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड।